हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस पेपर 39 सॉल्व करेंगे, जो मैंने डॉक्टर रंजीत सिंह के TGT इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट से लिया है। तो ये जो प्रैक्टिस सेट इसमें दिया हुआ है, ये TGT इंग्लिश के लिए है, लेकिन आई थिंक PGT इंग्लिश के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है आज की वीडियो। टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले, यदि चैनल पर नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1, हु रोड द पोम होक रोस्टिंग। तो होक रोस्टिंग इज अ पोम, और ये बताना है किसने लिखी है। द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर टेड हग्स। देन क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ईयर टेड हग्स बिकेम पोइट लॉरिएट। तो ये जो टेड हग्स हैं, ये बताना है कि पोइट लॉरिएट कौन से ईयर में बने। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर 1984। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ईयर द इमेजिस्ट मूवमेंट स्टार्टेड। तो कौन से ईयर में इमेजिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ है। द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर 1912। क्वेश्चन नंबर 4, विच मूवमेंट इज नोन फॉर एग्जैक्ट इमेजरी एंड क्लियर शार्प लैंग्वेज। तो कौन सी मूवमेंट जानी जाती है अपनी एग्जैक्ट इमेजरी और क्लियर इमेजरी एंड क्लियर शार्प लैंग्वेज के लिए। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर इमेजिज्म। देन क्वेश्चन नंबर 5, हु वॉज द मोस्ट पॉपुलर पोइट ऑफ इमेजिज्म मूवमेंट। तो इमेजिज्म मूवमेंट का कौन जो सबसे पॉपुलर पोइट रहा है। द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर एजरा पाउंड। क्वेश्चन नंबर 6, विच मूवमेंट इज नोन एज फर्स्ट ऑर्गेनाइज मॉडर्निस्ट लिटरेरी मूवमेंट। तो कौन सी मूवमेंट जानी जाती है फर्स्ट ऑर्गेनाइज मॉडर्निस्ट लिटरेरी मूवमेंट के रूप में। सो क्वेश्चन नंबर 6, द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर ऑक्सफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, हु हैड अ विलिंगनेस टू एक्सपेरिमेंट विद नॉन ट्रेडिशनल वर्स फॉर्म। सो क्वेश्चन नंबर 7, द करेक्ट आंसर इज ए इमेजिस्ट। देन क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ईयर डेस इमेजिस्ट वाज पब्लिश्ड। तो कौन से ईयर में डेस इमेजिस्ट जो पब्लिश हुआ था। तो ये प्रैक्टिस सेट में प्रिंट इसका कुछ इसी तरह से मिस्टेक दिया हुआ है इसमें, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 1914। तो इसको अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रिंट मिस्टेक है इसमें। देन क्वेश्चन नंबर 9, विच मूवमेंट इज नोन एज एंग्लो अमेरिकन पोएट्री ऑफ अर्ली 19th century। तो कौन सी मूवमेंट को जाना जाता है एंग्लो अमेरिकन पोएट्री के रूप में, और कौन सी सेंचुरी में, अर्ली 20th century। द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर इमेजिज्म। तो आई होप सभी के आंसर बिल्कुल सही जा रहे होंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10, एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग ऑफ इमेजिज्म हु वर कंसिडर्ड द पैरागॉन्स ऑफ पोएट्री। तो इमेजिज्म के आरंभ में किसको जाना जाता था पैरागॉन्स ऑफ पोएट्री के रूप में। क्वेश्चन नंबर 10, द करेक्ट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी, मीन्स लॉन्ग फेलो एंड टेनिसन बोथ। देन क्वेश्चन नंबर 11, डेस इज द प्रैक्टिस ऑफ आर्ट ऑफ यूजिंग एन ऑब्जेक्ट और वर्ड टू रिप्रेजेंट एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। सो क्वेश्चन नंबर 11, द करेक्ट आंसर विल बी ए सिंबोलिज्म। क्वेश्चन नंबर 12, विच कैन हैव अ सिंबोलिक मीनिंग। तो इनमें से सिंबोलिक मीनिंग किसका हो सकता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ दीज, मीन्स एक्शन पर्सन प्लेस सभी का सिंबोलिक मीनिंग हो सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 13, सिंबोलिज्म इज ऑफन यूज बाय राइटर्स टू मेक देयर राइटिंग। तो सिंबोलिज्म जो है, ये किस लिए यूज किया जाता है। अक्सर ये यूज किया जाता है
राइटर्स के द्वारा टू मेक देयर राइटिंग, अपनी राइटिंग को कैसा बनाने के लिए. सो द करेक्ट आंसर इज सी, इम्प्रेसिव, अपनी राइटिंग को इम्प्रेसिव और भी प्रभावी बनाने के लिए. एंड क्वेश्चन नंबर 14, विच फिगर ऑफ स्पीच यूज इन सिम्बोलिज्म. तो सिम्बोलिज्म में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज की जाती है. द करेक्ट आंसर इज बी, मेटाफर. एंड क्वेश्चन नंबर 15, अराउंड विच ईयर सिम्बोलिस्ट मूवमेंट बिकेम पॉपुलर. कौन से ईयर में सिम्बोलिस्ट मूवमेंट पॉपुलर हो गई थी. सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, 1890. 16 क्वेश्चन, सिम्बोलिज्म इज फाउंड इन द पोएट्री ऑफ. और ये जो सिम्बोलिज्म है ये किसकी पोएट्री में पाया जाता है. द करेक्ट आंसर इज सी हेयर, बोथ ए एंड बी, मीन्स टी एस एलियट और डब्ल्यू बी येट्स दोनों की पोएट्री में ये जो सिम्बोलिज्म है ये मिलता है देखने को. देन 17 क्वेश्चन, हु रिप्रेजेंटेड सिम्बोलिज्म इन मॉडर्न नॉवेल्स. तो मॉडर्न नॉवेल्स में सिम्बोलिज्म को किसने यूज किया था. द करेक्ट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी, मीन्स जेम्स जॉयस एंड वर्जीनिया वुल्फ दोनों ने इसको यूज किया था. 18 क्वेश्चन, हु वाज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव नॉवलिस्ट ऑफ सिम्बोलिज्म. तो सिम्बोलिज्म का सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव नॉवलिस्ट कौन था. द करेक्ट आंसर इज ए, पॉल एडम. देन 19 क्वेश्चन, इन विच ईयर द बीट मूवमेंट स्टार्टेड. तो बीट मूवमेंट कौन से ईयर में स्टार्ट हुई थी. द करेक्ट आंसर इज 1948. तो थोड़ा मुझे डाउट है इसमें, आई थिंक 1950 होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1948 यहाँ करेक्ट है. सो 20 क्वेश्चन, द बीट मूवमेंट लास्टेड टिल. और जो बीट मूवमेंट था ये लास्ट कब तक हुआ था. सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, 1963. 21, हु कॉइंड द टर्म बीट जनरेशन. तो बीट जनरेशन जो टर्म है ये किसने दिया था. द करेक्ट आंसर इज ए हेयर, जैक कैरोक. 22 क्वेश्चन, इन विच ईयर द टर्म बीट जनरेशन कॉइंड. कौन से ईयर में बीट जनरेशन को कॉइन किया गया था. द करेक्ट आंसर इज डी हेयर, 1949. 23 क्वेश्चन, द हार्लेम रेनेसा वाज अ डैश मूवमेंट. तो ये जो हार्लेम रेनेसा है ये कैसी मूवमेंट है. द करेक्ट आंसर इज सी, कल्चरल मूवमेंट. 24 क्वेश्चन, द ब्लैक माउंटेन पोइट्स वर ऑल्सो नोन एज. तो ये जो ब्लैक माउंटेन पोइट्स हैं इनको और किस नाम से जाना जाता है. सो द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, प्रोजेक्टिविस्ट पोइट्स. 25 क्वेश्चन, द हंगरी जनरेशन वाज अ लिटरेरी मूवमेंट इन द. तो ये जो हंगरी जनरेशन है ये एक लिटरेरी मूवमेंट है किसमें, बंगाली लैंग्वेज में. 26 क्वेश्चन, द हंगरी जनरेशन वाज अ लिटरेरी मूवमेंट इन द बंगाली लैंग्वेज दैट वाज लॉन्च्ड बाय. तो हंगरी जनरेशन ये बंगाली भाषा की एक लिटरेरी मूवमेंट है जिसको किसने लॉन्च किया था. द करेक्ट आंसर इज ए हेयर, हंगरी लिस्ट क्वार्टेट. 27 क्वेश्चन, इन विच कंट्री द हंगरी जनरेशन मूवमेंट स्टार्टेड. और कौन सी कंट्री में ये जो जनरेशन है हंगरी जनरेशन मूवमेंट ये किस कौन सी कंट्री में स्टार्ट हुआ था. द करेक्ट आंसर इज सी हेयर, इंडिया. और इंडिया के कलकत्ता और वेस्ट बंगाल में. 28 क्वेश्चन, इन विच ईयर द हंगरी जनरेशन मूवमेंट स्टार्टेड. और कौन से ईयर में हंगरी जनरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ है. द करेक्ट आंसर इज ए हेयर, 1961. 29 क्वेश्चन,
द हंगरी जनरेशन मूवमेंट वॉज लेड बाय, तो हंगरी जनरेशन मूवमेंट बताना है किनके द्वारा जो इसको लीड किया गया था। द करेक्ट आंसर इज डी हेयर, ऑल ऑफ दीज, मीन्स शक्ति चट्टोपाध्याय, मलाय रॉय एंड सुबिमल बसाक, इन सब ने इसको लीड किया था। 30 क्वेश्चन, फेरी क्वीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो फेरी क्वीन किस चीज का एग्जाम्पल है ये। द करेक्ट आंसर इज ए हेयर एन एपिक। 31 क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ एपिक एज, तो एपिक का हमें यह पर्पज बताना है। द करेक्ट आंसर इज बी मोरल। 32 क्वेश्चन, एन एपिक इज अ पोम इंक्लूडिंग हिस्ट्री, अ वर्क ऑफ आर्ट सरपासिंग द डिमेंशंस ऑफ रियलिज्म, द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एपिक रेफर्ड टू एज, तो एपिक की हमें यहाँ पे चीफ कैरेक्टरिस्टिक मुख्य विशेषता बतानी है। सो द करेक्ट आंसर इज सी हेयर, इट टॉक्स ऑफ द डेड, ये डेड के बारे में बताता है। 33 क्वेश्चंस, वर्जिल एंड ओविड वर द ओरिजिनल इनोवेटर्स ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, तो जो वर्जिल और ओविड हैं ये ओरिजिनल इनोवेटर्स रहे हैं, कौन सी फॉर्म के रहे हैं ये हमें यहाँ बताना है। द करेक्ट आंसर इज सी एपिक, तो एपिक फॉर्म के ये ओरिजिनल इनोवेटर्स रहे हैं। 34 क्वेश्चन, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एपिक प्रॉपर इज, तो एपिक प्रॉपर का सब्जेक्ट मैटर बताना है यहाँ पे। द करेक्ट आंसर इज डी सीरियस। 35 क्वेश्चन, डेस इज द पोएटिक हिस्ट्री ऑफ अ ग्रेट फैमिली, द करेक्ट आंसर इज सी हेयर एपिक, एपिक इज द पोएटिक हिस्ट्री ऑफ अ ग्रेट फैमिली, तो जो महान परिवार होते हैं उनकी जो पोएटिक हिस्ट्री है उसको बोलते हैं एपिक। 36, एपिक ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड एज, तो एपिक ऑफ ग्रोथ को और किस नाम से जानते हैं, द करेक्ट आंसर इज बी फोक एपिक। 37 क्वेश्चन, द डेस एपिक इज द एपिक ऑफ ग्रोथ फॉर इट इज मेड ऑफ मैनी फोक पोम्स, करेंट स्टोरीज, लीजेंड्स और बैलेड्स एक्सेट्रा, द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर ऑथेंटिक, तो द ऑथेंटिक एपिक इज द एपिक ऑफ ग्रोथ फॉर इट इज मेड ऑफ मैनी फोक पोम्स, करेंट स्टोरीज, लीजेंड्स, बैलेड्स एक्सेट्रा। 38 क्वेश्चन, द डेस एपिक इज द एपिक ऑफ आर्ट, तो इनमें से कौन से एपिक को एपिक ऑफ आर्ट के रूप में जाना जाता है, द करेक्ट आंसर इज ए हेयर लिटरेरी एपिक। 39 क्वेश्चन, एपिक ऑफ आर्ट इज, तो एपिक ऑफ आर्ट क्या है, आ कॉन्शियस पर्पज ऑफ द पोएट, फोर्टी क्वेश्चन, अ मोक एपिक इज, तो मोक एपिक क्या है, द करेक्ट आंसर इज सी अ पैरोडी ऑफ अ रियल एपिक, तो एक रियल एपिक के ऊपर जो पैरोडी की जाती है, जो उसका हास्य किया जाता है उसको हम मोक एपिक बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोक एपिक, और इनमें से हमें मोक एपिक बताना है कौन सा है, द करेक्ट आंसर इज डी हेयर रेप ऑफ द लोक, तो अलेक्जेंडर पोप का लिखा हुआ वर्क है ये रेप ऑफ द लोक, और ये एक मोक एपिक है, और मोक एपिक क्या होता है, जिसमें किसी बहुत ही छोटे ट्रिवियल मैटर को लेके उसके ऊपर एक एपिक लिख दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड अ मोक एपिक। 42 क्वेश्चन,
वन ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स हैज रिटन अ मॉक एपिक, और इनमें से किसने एक मॉक एपिक लिखा है? द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, पोप। तो अलेक्जेंडर पोप ने जो मॉक एपिक लिखा है दैट इज द रेप ऑफ लोक। 43 क्वेश्चन, द रेप ऑफ लोक इज रिटन इन, और रेप ऑफ लोक का हमें बताना है कि किस में लिखा गया है वो। द करेक्ट आंसर इज सी हेयर, हीरोइक कपलेट। तो इसको हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। तो कपलेट इज द स्टैंजा ऑफ टू लाइन्स, तो टू टू लाइन्स करके इसकी राइमिंग बनाई गई है। आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है ये, कपलेट राइमिंग होती है इसकी। 44 क्वेश्चन, अ मॉक एपिक इज अ, और मॉक एपिक होता क्या है? द करेक्ट आंसर इज ए हेयर, अ लॉन्ग नैरेटिव पोम ऑन ट्रिपल इशू, किसी बहुत छोटे से इशू के ऊपर एक नैरेटिव पोम लिख देना, और वो भी बहुत लंबी सी, दैट इज कॉल्ड अ मॉक एपिक। जैसे रेप ऑफ लोक में क्या हुआ था, बेलिंडा की जो लोक है वो किसी ने काट दी थी और उसी के ऊपर अलेक्जेंडर पोप ने पूरा का पूरा एपिक लिख दिया था। 45 क्वेश्चन, हु रिगार्ड्स सैले एज द परफेक्ट सिंगिंग गॉड, तो किसने जो सैले को द परफेक्ट सिंगिंग गॉड बोल दिया है? द करेक्ट आंसर इज ए हेयर, ए सी स्विनबर्न। 46 क्वेश्चन, डैश इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ लिरिक, तो लिरिक का हमें एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट बताना है। द करेक्ट आंसर विल बी डी, सब्जेक्टिविटी। 47 क्वेश्चन, द थीम ऑफ इम्पर्सनल लिरिक इज, तो इम्पर्सनल लिरिक की जो थीम है वो क्या है? ऑल ऑफ दीज मीन्स फेस्टिवल, पब्लिक इवेंट्स एंड मैरिज, ऑल ऑफ दीज। 48 क्वेश्चन, एलिजाबेथन लिरिक इज स्वीट एंड म्यूजिकल बट इट इज कैरेक्टराइज बाय, तो जो एलिजाबेथन लिरिक है वो स्वीट भी है म्यूजिकल भी है, लेकिन इसको कैसे कैरेक्टराइज किया जा सकता है? इट्स कैरेक्टराइज बाय आर्टिफिशियलिटी, बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। 49 क्वेश्चन, द एलिजाबेथन लिरिक इज डिफरेंट फ्रॉम द रोमांटिक लिरिक इन टर्म्स ऑफ इट्स, तो जो एलिजाबेथन लिरिक है ये बिल्कुल डिफरेंट है रोमांटिक लिरिक से, और किस टर्म में? स्पॉन्टेनिटी, सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। देन द फॉलोइंग MCQs आर फ्रॉम शेक्सपियरियन कॉमेडी मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस से कुछ यहाँ पे MCQ लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर इज पोर्सिया, तो पोर्सिया कैसी कैरेक्टर है प्ले में? द करेक्ट आंसर इज डी हेयर, ऑल ऑफ द अबव मीन्स क्विक विड एंड ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो, ब्यूटीफुल है, अ फ्री स्पिरिट एंड रूल फॉलोवर, रूल को फॉलो करने वाली, आज़ाद ख्यालों वाली, क्विक विट, बहुत इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल। तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। 51 क्वेश्चन, हु डज द प्लेज टाइटल रेफर टू, और जो प्ले का कैरेक्टर है मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो इसमें मर्चेंट ऑफ वेनिस कौन है? द करेक्ट आंसर इज डी हेयर, एंटोनियो। 52 क्वेश्चन, व्हाट माइट बी द कोज ऑफ एंटोनियोज परसिस्टेंट एंड वर्सनिंग मेलंकोली, तो एंटोनियो की जो परसिस्टेंट एंड वर्सनिंग मेलंकोली है उसका हमें कोज बताना है। द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, अनरिक्विटेड लव फॉर बसानियो, तो बसानियो से बहुत प्यार करता था एंटोनी, उसका फ्रेंड था। देन 53 क्वेश्चन, व्हाट इज वन ऑफ एंटोनियोज की कैरेक्टरिस्टिक्स अदर देन मेलंकली, तो एंटोनी की हमें कोई और कैरेक्टरिस्टिक बतानी है मेलंकली से अलग। द करेक्ट आंसर विल बी ए, एंटी सिमेटिज्म।
54 क्वेश्चन, व्हाई डज बसेनियो सीक टू मैरी पोर्सिया इन द फर्स्ट प्लेस? तो बसेनियो था वो मैरी क्यों करना चाहता था पोर्सिया से, उसका हमें रीजन बताना है यहाँ पे। द करेक्ट आंसर विल बी बी, ही नीड्स हर मनी, क्योंकि वो उसके पैसे से प्यार करता था। 55 क्वेश्चन, व्हाट डू द क्रिश्चियन कैरेक्टर्स इन द प्ले एम्बोडी? द करेक्ट आंसर विल बी सी, इट इज अनक्लियर। 56 क्वेश्चन, व्हाट इशू कॉजेज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइलोक एंड क्रिश्चियन कैरेक्टर्स टू कम टू अ हेड? तो उन दोनों में जो कॉन्फ्लिक्ट था साइलोक में और क्रिश्चियंस कैरेक्टर्स में, तो वो बताना है कि वो किस लिए था। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी, मर्सी। तो साइलोक में बिल्कुल भी मर्सी नहीं थी और क्रिश्चियन कैरेक्टर्स जो होते हैं उनमें मर्सी को दिखाया गया है, तो मर्सी के ऊपर ही पोर्सिया ने काफ़ी सारी लाइंस भी बोली हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। सो 57 क्वेश्चन, इन द प्ले व्हाट ब्रेक्स द साइकिल ऑफ इंसल्ट्स इंजरीज एंड रिवेंज दैट ट्रैप साइलोक एंड द क्रिश्चियन कैरेक्टर्स टुगेदर? तो द करेक्ट आंसर विल बी बी, हेयर द ट्रायल्स रिजल्ट। 58 क्वेश्चन, व्हाट डज क्रॉस ड्रेसिंग अलाउ पोर्सिया टू डू? तो जो पोर्सिया ने क्रॉस ड्रेसिंग की थी, अब क्रॉस ड्रेसिंग क्या होती है, तो हेयर पोर्सिया इज अ फीमेल कैरेक्टर और उसने जो ड्रेसिंग की थी मीन्स वहाँ पे जो वो लॉयर बन के आई थी तो उसने एक मेल ड्रेसिंग की थी, तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस ड्रेसिंग। जब कोई मेल फीमेल का गेटअप लेके आए या कोई फीमेल मेल का गेटअप लेके आए तो उसको हम क्रॉस ड्रेसिंग बोलते हैं, तो उससे उसको क्या बेनिफिट हुआ था? द करेक्ट आंसर इज डी, हेयर अज्यूम पावर एंड पोजिशन। तो वो वहाँ पे लॉयर बन के आई थी जिससे उसको क्या हुआ था, पावर और पोजीशन मिल गई थी उसका जो ट्रायल है, जो केस है उसको लड़ने के लिए। 59 क्वेश्चन, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज द बेस्ट नोन फॉर साइलोक एंड हिज फेमस हैड नॉट अ ज्यू आइज स्पीच ऑन ह्यूमैनिटी ऑल्सो नोटेबल इज पोर्सियाज स्पीच अबाउट द क्वालिटी ऑफ मर्सी? तो कौन से प्ले से ये लाइन्स ली गई हैं? द करेक्ट आंसर इज ए, हेयर मर्चेंट ऑफ वेनिस, 1596-97। 60 क्वेश्चन, हु इज द कॉमिक कैरेक्टर इन द प्ले? तो प्ले में कॉमिक कैरेक्टर कौन है? लैंसलॉट गोबो। 61 क्वेश्चन, व्हाट सोर्स और सोर्सेस डू सेलेरिनो एंड सोलेनियो सजेस्ट आर द कोज ऑफ एंटोनियो सैडनेस? तो ये दोनों फ्रेंड्स हैं सेलेरिनो एंड सोलेनियो, तो ये आपस में क्या डिस्कस कर रहे थे कि एंटोनियो की जो सैडनेस है, उसकी जो उदासी है, उसका क्या कारण है? द करेक्ट आंसर इज सी, हेयर कमर्शियल कंसर्न्स एंड लव। 62 क्वेश्चन, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ ग्रेसियानो डज बसेनियो जोक अबाउट आफ्टर ग्रेसियानो हैज लेफ्ट? तो ग्रेसियानो के जाने के बाद बसेनियो किस बात पे जोक करता है या मजाक उड़ाता है कि ग्रेसियानो में क्या चीज़ ऐसी है जिसके ऊपर वो जोक करता है उसका? सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, हेयर हिज एम्प्टी स्पीच। 63 क्वेश्चन, एट बेलमोंट व्हाट रीजन डज पोर्सिया गिव नेरिसा फॉर बीइंग वेरी ऑफ द वर्ल्ड? तो बेलमोंट में पोर्सिया नेरिसा को क्या रीजन बताती है फॉर बीइंग वेरी ऑफ द वर्ल्ड? तो वर्ल्ड से बिल्कुल उदास होने के लिए, कि वो इतनी उदास क्यों है? द करेक्ट आंसर इज सी, हेयर कांट चूज हर हस्बैंड, क्योंकि पोर्सिया डज नॉट
हैव द राइट टू चूज हर ओन हस्बैंड, उसे अपने लिए हस्बैंड चुनने की जो राइट नहीं दिया गया था क्योंकि उसके फादर ने एक कंडीशन रखी थी और जो भी उस कंडीशन को फुलफिल करेगा वो ही उसका हस्बैंड बन जाएगा। तो इस बात से पोर्सिया बहुत परेशान थी कि वो अपने लिए हस्बैंड खुद नहीं चुन सकती है। 64 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पोर्सिया व्हाट इज अ कैरेक्टर फॉल्ट ऑफ द इंग्लिश शूटर हु केम टू गैस द करेक्ट कैस्केट। द करेक्ट आंसर विल बी ए, पुअर लैंग्वेज स्किल्स। तो उसका जो शूटर आया था उस कैस्केट को चुनने के लिए जिसे वो पोर्सिया को पोर्सिया के साथ मैरी कर सके, तो उसमें जो ये कमी थी कि उसकी जो लैंग्वेज थी वो पोर्सिया नहीं समझ पा रही थी, उसकी कोई दूसरी लैंग्वेज वो बोलता था। 65 क्वेश्चन, व्हाट डिड ईच ऑफ पोर्सिया शूटर डू बिफोर लीविंग। तो पोर्सिया के जो भी शूटर्स थे वो जाने से पहले उन्होंने क्या किया। द करेक्ट आंसर इज सी हेयर, रिफ्यूज टू चूज कैस्केट। उन्होंने कैस्केट को चूज करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसमें जो कंडीशन दी हुई थी कि इफ़ यू चूज द रोंग कैस्केट तो यू कैन नेवर मैरी, तो तुम्हें कभी भी शादी नहीं कर सकते तुम अगर तुमने कोई गलत कैस्केट चुना। तो काफ़ी सारे सूटर्स ऐसे थे जिन्होंने कैस्केट को चुनने से ही मना कर दिया। 66 क्वेश्चन, इन एन असाइड व्हाट डज साइलोक कन्फेस। तो एक असाइड, असाइड क्या होता है, जब कोई स्टेज के साइड में जाके कोई कैरेक्टर इस तरह अपनी बात बोले कि उसको ऐसे वो प्रिटेंड करे कि कोई और नहीं सुन रहा है, सिर्फ वो ही उस बात को ऑडियंस के लिए वहाँ पे बोल रहा है। तो साइलोक क्या कन्फेस करता है यहाँ पे, ही हेट्स एंटोनियो। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। 67 क्वेश्चन, व्हाट इज इट दैट एंटोनियो क्रिटिसाइज एंड दैट साइलोक डज एज अ रेगुलर बिजनेस प्रैक्टिस। द करेक्ट आंसर बी बी असरी, दैट मीन्स किसी को लोन देना, पैसे उधार में देना। 65 क्वेश्चन, व्हाट डज साइलोक से दैट एंटोनियो हैज डन टू हिम इन द पास्ट। तो साइलोक क्या कहता है कि एंटोनियो ने उसके साथ पास्ट में क्या किया। द करेक्ट आंसर इज सी हेयर, स्पैट ऑन हिम। तो स्पैट मीन्स थूकना, कि उसके ऊपर उसने थूक दिया था। देन 69 क्वेश्चन, इन व्हाट कैपेसिटी डज एंटोनियो इंसिस्ट साइलोक लैंड हिम द मनी। तो कौन सी कैपेसिटी के बेस पे एंटोनियो इंसिस्ट करता है साइलोक को कि वो उसको पैसे उधार दे दे। द करेक्ट आंसर इज डी हेयर, एज एन एनिमी, कि अपना दुश्मन समझकर ही सही लेकिन वो उसको पैसे उधार दे दे, ये उसने बोला था। 70 क्वेश्चन, हाउ डज बसानियो फील अबाउट द अरेंजमेंट एंड द कंडीशंस ऑफ द लोन। तो बसानियो जो कैसा फील करता है अरेंजमेंट के बारे में और कंडीशंस के बारे में लोन की। तो लोन जब साइलोक उसको देने वाला था तो उसकी जो बिहेवियर था या उसकी जो बातें थी उससे बसानियो बहुत डाउटफुल होता है और वो फील करता है कैसा, सस्पिशियस, कि उसको बहुत ज़्यादा डाउट था साइलोक के ऊपर कि वो लोन तो दे रहा है लेकिन ये ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ करने वाला है। 71 क्वेश्चन, विच एंजल डज सैटर्न ट्रिक बाय डिस्गाइज हिमसेल्फ एज अ चेरब। तो सैटर्न कौन से एंजल को बेवकूफ बनाता है, अपनी ट्रिक उस पर यूज करता है, बाय डिस्गाइजिंग हिमसेल्फ, अपने आप को वेश बदल कर एज अ चेरब, एक चेरब के रूप में वो अपना वेश बदल लेता है और एक एंजल को वो बेवकूफ बनाता है। तो कौन सी एंजल थी वो, बी यूरियल। 72 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स डज सैटर्न नॉट टेक। तो सैटर्न ने अलग अलग काफ़ी सारी फॉर्म्स ली थी तो इन सभी में से कौन सी फॉर्म उसने नहीं ली। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर, ही टेक्स ऑल ऑफ दीज फॉर्म्स।
तो उसने इनमें से सभी फॉर्म्स को लिया था। वो एंजल भी बना था, टोड भी बना था और कॉर्मोरेंट भी बना था। 73 क्वेश्चन, इन व्हाट बुक डज द फॉल टेक प्लेस? तो कौन सी बुक में पैराडाइज लॉस्ट की फॉल दिखाया गया है? तो बुक 9 इज द करेक्ट आंसर। 74 क्वेश्चन, इन विच बुक ऑफ द बाइबल डज द स्टोरी ऑफ द एडम एंड ईव अकर? तो बाइबल की कौन सी बुक में एडम और ईव की स्टोरी को दिखाया गया है? द करेक्ट आंसर इज सी हियर, जेनेसिस। 75, विच डेविल एडवोकेट्स अ रिन्यूअल ऑफ ऑल आउट वार अगेंस्ट गॉड? तो इन सभी डेविल में से कौन से डेविल ने दोबारा से जो रिन्यूअल किया था वार का गॉड के विरोध में? द करेक्ट आंसर विल बी मोलोच। 76, व्हाट इज मिल्टन्स स्टेटेड पर्पज इन पैराडाइज लॉस्ट? तो पैराडाइज लॉस्ट को लिखने के पीछे मिल्टन का कौन सा पर्पज रहा है? द करेक्ट आंसर इज सी हेयर, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। क्योंकि वो भगवान के जो वेज हैं, भगवान के जो तरीके हैं, उनको मैन को जस्टिफाई करना चाहता था। 77 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर इन पैराडाइज लॉस्ट? तो इनमें से कौन सा पैराडाइज लॉस्ट का कैरेक्टर नहीं है? द करेक्ट आंसर बी, एगोनी। 78 क्वेश्चन, विच एंजल वील्ड्स अ लार्ज स्वॉर्ड इन द बैटल एंड वॉन्ट सैटन? तो कौन सा एंजल जो है वार में होता है, जो एक बड़ी सी स्वॉर्ड तलवार लिए रहता है और वो बैटल में जो सैटन को जख्मी भी कर देता है? द करेक्ट आंसर इज ए हेयर, माइकल। 79 क्वेश्चन, व्हेन सैटन लीप्स ओवर द फेंस? जब सैटन जो है फेंस होता है चार दीवारी, तो दीवार को लीप ओवर मीन्स फांद कर या कूद कर उस पर जाता है इनटू पैराडाइज, व्हाट डज मिल्टन लाइकन हिम टू? तो मिल्टन उसकी कंपेयर किससे करता है? तो द करेक्ट आंसर इज सी हेयर, अ वुल्फ लीपिंग इनटू अ शीप्स पेन। 80 क्वेश्चन, विच एंजल टेल्स एडम अबाउट द फ्यूचर इन बुक 11 एंड 12? तो कौन सा जो एंजल है एडम को फ्यूचर के बारे में बताता है कि आगे आगे क्या होने वाला है? द करेक्ट आंसर इज सी हेयर, माइकल। 81 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन हेल? तो हेल में इनमें से इन सभी चीज़ों में से क्या नहीं मिलता? द करेक्ट आंसर इज सी, ऑयल। क्योंकि हेल में जेम्स भी है, गोल्ड भी हैं और मिनरल्स भी है, लेकिन वहाँ पे ऑयल नहीं है। 82 क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट अबाउट द अर्थ इज एसर्टेड एज ट्रू इन पैराडाइज लॉस्ट? तो अर्थ के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है? द करेक्ट आंसर इज बी हेयर, अर्थ हैंग्स फ्रॉम हेवन बाय अ चेन। कि अर्थ हेवन से जो है एक चैन के द्वारा वहाँ से हैंग मीन्स लटकी हुई है। 83 क्वेश्चन, विच डेविल इज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ पैंडेमोनियम? तो पैंडेमोनियम इज द कैपिटल ऑफ हेल, और उसके लिए कौन सा आर्किटेक्ट डेविल रहा है? ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, मुलसीबर। 84 क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स डज मिल्टन इनवोक अ म्यूज? तो मिल्टन ने कितनी बार म्यूज का आह्वान किया है? द करेक्ट आंसर इज सी हेयर, 3। 85 क्वेश्चन, हु लीड्स एडम एंड ईव आउट ऑफ पैराडाइज? तो किसने एडम और ईव को पैराडाइज से बाहर लीड किया था? द करेक्ट आंसर इज सी हेयर, माइकल। 86 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स डज मिल्टन इम्यूलेट?
द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर बोथ वर्जिल एंड होमर. 87 क्वेश्चन. जॉन गैल्सवर्दीज नॉवल्स आर चीफली ऑक्यूपाइड विद द इफेक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ. तो जॉन गैल्सवर्दी की जो नॉवल थी वो उसका चीफली मतलब किस चीज़ से वो ऑक्यूपाइड थी, विद द इफेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, कि किस चीज़ का उसमें इफेक्ट या कॉन्फ्लिक्ट उसमें दिखाया है. द करेक्ट आंसर इज सी हेयर क्लास ट्रेडिशन अपॉन सोसाइटी. तो सोसाइटी के ऊपर क्लास ट्रेडिशन को उन्होंने दिखाया है. 88 क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट रिटन बाय गैल्सवर्दी. तो गैल्सवर्दी ने इसमें से कौन सा प्ले नहीं लिखा. डी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर अ डॉल्स हाउस. तो आई थिंक हेनरी इब्सन का लिखा हुआ वर्क है ये, तो ये जॉन गैल्सवर्दी ने नहीं लिखा. 89 क्वेश्चन. द लिटिल मैन रिटन बाय गैल्सवर्दी इज अ. तो जो लिटिल मैन है वो गैल्सवर्दी का लिखा हुआ क्या है. तो यहाँ जेनर बताना है हमें इसका. द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर वन एक्ट प्ले. देन 90 क्वेश्चन. एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी इज अ वर्क बाय डैश. तो एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी जो एक वर्क है किसका किसके द्वारा लिखा गया है ये. सो 90 क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर विल बी ए जॉन ड्राइडन. अब जॉन ड्राइडन को इंग्लैंड फर्स्ट पोइट भी फर्स्ट पोइट लॉरिएट भी माना जाता है. देन 91 क्वेश्चन. इन प्रेजेंटिंग हिज आर्ग्यूमेंट इन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी ड्राइडन टेक्स अप द सब्जेक्ट दैट डैश हैड सेट फोर्थ इन हिज डिफेंस ऑफ पोएसी इन 1580. सो 91 क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर इज डी हेयर फिलिप सिडनी. 92 क्वेश्चन. अ नरेशन और डिस्क्रिप्शन इन विच इवेंट्स एक्शन कैरेक्टर्स सेटिंग और ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एब्स्ट्रैक्शंस और आइडियाज हैंस द नैरेटिव कैरीज अ सेकेंड मीनिंग अलोंग विद इट्स सरफेस स्टोरी. तो जो एक स्टोरी होती है और जिसका डबल मीनिंग निकलता है या उससे मतलब उसका सेंस तो कुछ और जाता है लेकिन उसका जो मीनिंग है वो कुछ और निकलता है. तो ऐसी स्टोरीज को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे. द करेक्ट आंसर इज सी एलिगरी. 93 क्वेश्चन. जॉन बनियंस द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ. तो जॉन बनियन का पिलग्रिम प्रोग्रेस जो है वो किस चीज का एग्जाम्पल है. द करेक्ट आंसर इज बी हेयर एलिगरी. 94 क्वेश्चन. द फेरी क्वीन रिटन बाय एडमंड स्पेंसर इज अ रिलीजियस मोरल पॉलिटिकल डैश इन 12 बुक्स ईच कंसिस्टिंग ऑफ एडवेंचरस ऑफ अ नाइट रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर मोरल वर्च्यू. द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर एलीगोरी. तो एलीगोरी इज द करेक्ट आंसर. 95 क्वेश्चन. एस्ट्रोफेल अ पास्टोरल एलिजी अपॉन द डेथ ऑफ द मोस्ट नोबल एंड वोलोरस नाइट सर फिलिप सिडनी इज अ पोम बाय द इंग्लिश पोएट. द करेक्ट आंसर इज बी हेयर एडमंड स्पेंसर. 96 क्वेश्चन. द ट्रेजिडी ऑफ रुस्तम एंड सोहराब फॉर्म्स पार्ट ऑफ द 10th सेंचुरी पारसियन एपिक शाहनामा बाय द पारसियन पोइट डैश. इट टेल्स द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ द हीरोज रुस्तम एंड हिज सन सोहराब. तो रुस्तम और सोहराब जो स्टोरी और ये कहाँ से ली गई है, पारसियन एपिक है शाहनामा, तो उसके ऊपर बेस है, वहाँ से इसका सोर्स लिया गया है. तो 96 क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर इज बी फिरदौसी. तो फिरदौसी के द्वारा लिखा हुआ ये वर्क है. 97 क्वेश्चन. विच पोम ऑफ मैथ्यू अर्नोल्ड रिटेल्स अ फेमस एपिसोड फ्रॉम फिरदौसी
पार्सियन एपिक शाहनामा रिलेटिंग हाउ द ग्रेट वॉरियर रुस्तम अनोइंगली स्लो हिज लॉन्ग लॉस्ट सन सोहराब इन सिंगल कॉम्बैट सॉरी 97 क्वेश्चन द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर सोहराब एंड रुस्तम एन एपिसोड 1853 98 क्वेश्चन इन मेमोरियम AHH एज अ पोम बाय द ब्रिटिश पोएट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन पब्लिश्ड इन 1850 तो ये जो इन मेमोरियम है ये एक पोम है और जिसको किसने लिखा है टेनिसन ने कब लिखा है 1850 में तो एक ही क्वेश्चन से देखिए हमें कितने कितने क्वेश्चन हम यहाँ पे बना सकते हैं तो इट इज अ रिक्वीम फॉर द पोएट्स बिलव्ड कैम्ब्रिज फ्रेंड डैस हु डाइड सडनली ऑफ अ सेलिब्रल हेमरेज इन वियना इन 1833 एज 22 तो कौन सा उनका फ्रेंड है जिसके ऊपर इन्होंने ये जो वर्क लिखा हुआ है इन मेमोरियम ये एक एलिजी है जो उन्होंने अपने एक फ्रेंड के ऊपर जिसकी जो है डेथ हो गई थी सेलिब्रल हेमरेज की वजह से वियना में और कब हुई थी ये डेट भी यहाँ दी हुई है उसकी एज भी लिखी हुई है तो उस फ्रेंड का यहाँ पे नाम बताना है द करेक्ट आंसर इज ए हेयर आर्थर हेनरी हेलम 99 क्वेश्चन रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड और एक्सप्रेशन एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव फ्रेजेज क्लोजेज सेंटेंसेस और वर्सेस स्पेशली फॉर रिटोरिकल और पोएटिक इफेक्ट द करेक्ट आंसर विल बी बी एनाफोरा 100 क्वेश्चन अ वेल नोन फ्रेज एक्सप्रेसिंग समथिंग दैट इज ऑलवेज ट्रू अबाउट पीपल और द वर्ल्ड तो एक वेल नोन फ्रेज बतानी है हमें जो एक्सप्रेसिंग समथिंग किसी चीज को एक्सप्रेस करते हुए दैट इज ऑलवेज ट्रू जो हमेशा ट्रू होती है अबाउट पीपल और द वर्ल्ड किसी भी इंसान के बारे में या संसार के बारे में द करेक्ट आंसर विल बी हेयर एडेज 101 द मैस्कुलाइन फॉर्म ऑफ डक तो डक की हमें मैस्कुलाइन फॉर्म बतानी है द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर ड्रेक 102 द वर्ड इन्वेड हैज द नाउन फॉर्म तो इन्वेड का हमें नाउन फॉर्म बताना है द करेक्ट आंसर इज सी हेयर इन्वेजन 103 आई थिंक कॉमन एरर है यहाँ पे द टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट्स हैव कमिटेड दिस मिस्टेक तो इसमें हमें एरर पोर्शन फाइंड आउट करना है सो द करेक्ट आंसर विल बी द टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट्स तो यहाँ पे सी पोर्शन में एरर है हैव कमिटेड में तो ये देखिए एज वेल एज जहाँ पे भी लगता है वहाँ पे हम फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना वर्ब लगाते हैं तो द टीचर इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू इट वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब हैज तो हैज विल बी करेक्ट आंसर तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर देन 104 द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स वर तो यहाँ देखिए ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे अलग है लेकिन ऑफ से पहले वाला जो सब्जेक्ट है दैट इज द बिहेवियर तो इसके अकॉर्डिंग भी यहाँ हमें सिंगुलर सब्जेक्ट लगाना है और यहाँ पे वर दिया हुआ है यहाँ वाज होना चाहिए था तो 104 द करेक्ट आंसर विल बी सी 105 ऑल द डिक्शनरीज विच हैव बीन प्लेस्ड ऑन दैट टेबल बाय द विंडो नीड्स रीबिल्डिंग 105 द करेक्ट आंसर शुड बी डी बाय द विंडो नीड्स रीबाइंडिंग अब देखिए यहाँ ऑल द डिक्शनरीज विच हैव बीन प्लेस्ड ऑन दैट टेबल बाय द विंडो
तो यहाँ पे ऑल द डिक्शनरी इज अ प्लूरल सब्जेक्ट और यहाँ पे नीड्स इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट. यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, एस को रिमूव करना है. तो नीड शुड बी करेक्ट हेयर. तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर. 106. अनएम्प्लॉयमेंट इज अ वेरी एक्चुअल प्रॉब्लम. सो 106 द करेक्ट आंसर विल बी डी. एक्चुअल प्रॉब्लम इज द रॉन्ग आंसर हेयर. तो यहाँ पे एक्चुअल के प्लेस पे कोई दूसरा वर्ड यहाँ पे यूज होगा, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है. आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए. तो यहाँ पे एक्चुअल इज द रॉन्ग वर्ड. 107. आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सी माई कजिन सिस्टर हु हैज जस्ट रिटर्न्ड फ्रॉम जर्मनी. तो यहाँ पे एरर पार्ट हमें फाइंड आउट करना है. सो 107 द करेक्ट आंसर विल बी बी. माई कजिन सिस्टर. तो देखिए कजिन के साथ हम कभी भी सिस्टर या ब्रदर का यूज नहीं करते हैं, तो यही यहाँ पे एरर है. तो बी ऑप्शन इज करेक्ट है. रीड ईच सेंटेंस केयरफुली टू फाइंड आउट एरर इन इट. एरर लाइज इन एनी वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस नंबर. यहाँ पे भी हमें एरर पार्ट फाइंड करना है. 108. दिस कार इज सुपीरियर एंड मोर कॉस्टली देन द वन आई हैव. सो 108 द करेक्ट आंसर विल बी बी. दिस कार इज सुपीरियर एंड मोर कॉस्टली देन द वन आई हैव. तो यहाँ बी पार्ट में एरर है. तो यहाँ देखिए एरर क्या है, मोर कॉस्टली के साथ यहाँ पे देन लगा है, लेकिन सुपीरियर के साथ देन नहीं लगा सकते. तो यहाँ पे अगर दोनों वर्ब के साथ एक ही यहाँ पे देन से काम चल जाएगा तो इट्स ओके, लेकिन अगर इसके साथ अलग यहाँ पे प्रेपोजिशन यूज होती है और इसके साथ अलग, तो हम ऐसे में क्या करेंगे, यहाँ पे हमें सुपीरियर के साथ टू लगाना पड़ेगा. यहाँ पे टू नहीं है, दैट्स वाई दिस इज रॉन्ग. तो हमारे बी पार्ट में एरर है. 109. यू विल आइदर हैव टू इम्प्रूव योर वर्क और आई शैल हैव टू डिसमिस यू फ्रॉम स्कूल. सो 109 द करेक्ट आंसर विल बी ए. अब देखिए ये हमारा जो पार्ट है ये फ्यूचर इंडेफिनेट में दिया है, तो फ्यूचर इंडेफिनेट का जो कॉम्बिनेशन है वो किस में बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में बनता है. तो यहाँ पे दोनों पार्ट फ्यूचर में दिए हुए हैं, दैट्स वाई ए ऑप्शन इज करेक्ट रॉन्ग हेयर. यहाँ पे यू विल आइदर हैव के प्लेस पे यू आइदर हैव हो जाता तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा. तो ए पार्ट में एरर है यहाँ पे. देन आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फ्रेज आउट ऑफ द गिवन चॉइसिस सो एज टू कम्प्लीट फॉलोइंग सेंटेंस. सो हार्डली डेस रीच्ड हर होम वेन द रेन स्टार्टेड. द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी हेयर हैड सी. तो देखिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज हुई है, तो यहाँ पे हैड का यूज होगा. हार्डली हैड सी रीच्ड हर होम वेन द ट्रेन स्टार्टेड. पास्ट परफेक्ट में यही स्ट्रक्चर होता है हमारा, एक साइड हमें पास्ट परफेक्ट यूज करना होता है, दूसरे साइड हमारा पास्ट इंडेफिनेट का यूज होता है. 111 द बॉस वांटेड टू नो डैश डन द जॉब. द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए हेयर हाउ आई हैड. तो देखिए जो यहाँ पे इंटेरोगेटिव वर्ड बीच में आते हैं तो उसके बाद हम वर्ब ना लगा करके पहले हमें सब्जेक्ट लगाना होता है, दैट्स वाई ए ऑप्शन इज करेक्ट हेयर. यहाँ पे इंटेरोगेटिव वर्ड के बाद पहले वर्ब यूज हुआ है फिर सब्जेक्ट यूज हुआ है, इसलिए ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो गया है. 112 आई विश आई डैश अ किंग. तो जहाँ पे विश का यूज होता है वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, वर. तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हेयर. आई विश आई वर अ किंग. मेरी इच्छा है काश मैं एक राजा होता. देन 113 विच इज द
इनकरेक्ट सेंटेंस. तो यहाँ इनकरेक्ट पार्ट हमें फाइंड आउट करना है. सो हेयर सी ऑप्शन इज करेक्ट. इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट द टू नेशन थ्योरी. तो इसमें हमारे एरर है. क्यों? क्योंकि टू नेशंस की जगह पे यहाँ पे टू नेशन यूज करना है. टू नेशन थ्योरी इज द फ्रेज. बाकी सभी ऑप्शन करेक्ट हैं. 114 अ व्हीकल फॉर कैरिंग अ डेड बॉडी इज कॉल्ड. तो डेड बॉडी को कैरी करने के लिए जो व्हीकल होता है उसको क्या बोलते हैं? द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर हेयर्स. 115 एन इमेजिनरी नेम अज्यूम्ड बाय एन ऑथर एज डिस्क्राइब्ड एज. तो ऑथर जब अपना खुद का नाम ना यूज करते हुए कोई एक इमेजिनरी नेम अपना रख लेता है अपने वर्क को पब्लिश कराने के लिए तो उसको क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन इज करेक्ट हेयर सिडोनिम. देन यहाँ पे अनसीन पैसेज है, जल्दी से इसको रीड कर लेते हैं उसके बाद इसके आंसर फाइंड आउट करेंगे. तो इट इज स्ट्रेंज दैट अकॉर्डिंग टू हिज पोजिशन इन लाइफ एन एक्स्ट्रावेगेंट मैन इज एडमायर्ड और डिस्पाइज्ड. अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन डज नथिंग टू इंक्रीज हिज पॉपुलैरिटी बाय बीइंग केयरफुल विद हिज मनी. ही इज एक्सपेक्टेड टू डिस्प्ले हिज सक्सेस टू हैव अ स्मार्ट केयर एन एक्सपेंसिव लाइफ एंड टू बी लेविश विद हिज हॉस्पिटैलिटी. If he is not so, he is considered mean and his reputation in business may even suffer in consequence. The paradox remains that if he had not been careful with his money in the first place, he would never have achieved his present wealth. Among the low-income group, a different set of values exists. The young clerk who makes his wife a present of a new dress when he has not paid his house rent is condemned as extravagant. Carefulness with money to the point of meanness is applauded as a virtue. Nothing in his life is considered more worthy than paying his bills. The ideal wife for such a man separates his housekeeping money into joyless little piles, so much for rent, for food, for the children's shoes. She is able to face the milkman. यहाँ पे थे. The ideal wife for such a man separates his housekeeping money into joyless little piles, so much for rent, for food, for the children's shoes. She is able to face the milkman with equanimity. Every month satisfied with her economizing wage and never knows the guilt of buying something she can't really afford. As for myself, I fall into neither of these categories. If I have money to spare, I can be extravagant. But when, as is usually the case, I am hard up, then I am the meanest man imaginable. तो यही थीम दी हुई है यहाँ पे कि हमें अपनी जितनी इनकम होती है उसके अकॉर्डिंग हमें खर्च करना चाहिए और जो एक वाइस मैन होता है या जो एक आइडियल वाइफ होती है तो उसको जितना भी खर्चा दिया जाता है उसमें से भी वो कुछ ना कुछ सेव कर लेती है जिससे ज़रूरत पड़ने पे उसको यूज किया जा सके. अब देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स. सो 116 इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन. तो सक्सेसफुल बिजनेसमैन कौन है? द करेक्ट आंसर इज डी हेयर इज एक्सपेक्टेड टू हैव एक्सपेंसिव टेस्ट. तो सक्सेसफुल बिजनेसमैन उसको समझा जाता है जिसके जो खर्चे होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं. 117 द फ्रेज लेविस विद हिज हॉस्पिटैलिटी इन द थर्ड सेंटेंस ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ सिग्निफाइज. The correct answer is C here, extravagance in entertaining guest.
सो 118, वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द पैसेज दैट, और पैसेज से हम क्या सीखते हैं, तो इस पैसेज से हमें जो समझ में आता है दैट इज डी, थ्रिफ्ट मे लीड टू सक्सेस, कि हमें क्या होना चाहिए, अपने खर्चों को कंट्रोल करके सेविंग पे ध्यान देना चाहिए, दैट इज़ द पार्ट टू लीड टू सक्सेस, जिससे हमें सफलता मिल सकती है। 119, इट सीम्स दैट लो पेड पीपल शुड, तो जिनको लो पेमेंट मिलती है उनको क्या करना चाहिए, द करेक्ट आंसर इज डी हेयर, फील गिल्टी इफ़ दे ओवर स्पेंड, कि अगर वो ज़्यादा खर्च कर देते हैं तो उनको गिल्टी फील करना चाहिए। 120 क्वेश्चन, द वर्ड पैराडॉक्स इन द लास्ट सेंटेंस ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ मीन्स, तो फर्स्ट पैराग्राफ का जो लास्ट सेंटेंस है उसमें पैराडॉक्स का हमें यहाँ मीनिंग बताना है। द करेक्ट आंसर इज सी हेयर, दैट विच इज कंट्रेरी टू रिसीव ओपिनियन। 121, हाउ डज द हाउस वाइफ डिस्क्राइब्ड बाई द राइटर फील व्हेन सी सेव्स मनी, तो हाउस वाइफ को कैसे डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पे, जब वो अपनी मनी को सेव करती है। द करेक्ट आंसर इज ए हेयर, इज कॉन्टेंट टू बी सो थ्रिफ्टी। 122, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड अपलोडेड, तो अपलोडेड का हमें यहाँ पे ऑपोजिट बताना है। द करेक्ट आंसर इज बी हेयर, डिक्राइड। 123, द स्टेटमेंट सी इज एबल टू फेस द मिल्कमैन विद इक्वानिमिटी इम्प्लाइज दैट, तो इसका हमें यहाँ मीनिंग बताना है, सी इज एबल टू फेस द मिल्कमैन विद इक्वानिमिटी का क्या मीनिंग है। द करेक्ट आंसर इज ए हेयर, सी इज मोस्ट अपसेट एट सी हैज बीन पेइंग द मिल्कमैन हिज ड्यूज रेगुलरली। 124, एज फार एज मनी इज कंसर्नड वी गेट द इम्प्रेशन दैट द राइटर, द करेक्ट आंसर इज डी हेयर, डज नॉट ऑफन हैव एनी मनी टू सेव। 125, which of the following would be the most suitable title for the passage, तो इनमें से कौन सा suitable title हो सकता है इस passage के लिए, the correct answer is C, extravagance in the life of the rich and the poor। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर इस वीडियो की आपको PDF भी चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आप ले सकते हैं, MSTGT PGT इंग्लिश करके वहाँ टाइप कर देना और मेरा ग्रुप वहाँ पे आपको मिल जाएगा, जहाँ पे सभी PDF आपको इजीली मिल जाएंगी। तो यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फीडबैक देना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।